है। पाकिस्तान के लिए वोट दिया, अब आवाम भुगतें। 70 रुपए किलो आटा बिक रहा है, हुक्मरान इस पर भी शर्मिंदा रही। शाहिद खाकान अब्बासी की पीटीआई सरकार पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं असेंबली में कोई बात नहीं की जा सकती, बात करें तो स्पीकर साहब इजलास ही खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीरे आज़म की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो बेहतर होगा। साबिक वज़ीरे आज़म का इमरान खान को टैक्स अदा करने का भी मशवरा। ये हुकूमत का हर दिन पाकिस्तान के अवाम पर भारी होगा, ये बात याद रखें। तनख्वाह जो प्राइम मिनिस्टर की है वो पाकिस्तान के तमाम दूसरे सिविल सर्वेंट, जजेस, चीफ्स, कम से कम 1 रुपया ज़्यादा होनी चाहिए। ये असूल है दुनिया में, तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब टैक्स देते हैं तो बेहतर होगा, टैक्स वो अदा नहीं करते। लीडर ऑफ अपोजिशन तो नुमाइंदा ही होता है उनका, बातें असेंबली में आएगी, बदकिस्मती असेंबली भी नहीं चलती। अब सबसे बड़ी मायूसी ये है कि असेंबली के इजलास इस मुल्क में नहीं चलता, वहाँ डिबेट नहीं हो सकती, वहाँ कोई बात नहीं हो सकती, कोई बात करें तो स्पीकर साहब हाउस प्रोरोग करके चले जाते हैं।